हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अशोक लेवलैंड के बारे में दोस्तों, क्योंकि आज अशोक लेवलैंड का जो स्टॉक का प्राइस है वो हमें 44 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है। और आज के डेट में भी बहुत बड़ी गिरावट हुई है, अराउंड 8% की गिरावट हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी गिरावट है और हो सकता है कि कल के डेट में आपको अशोक लेवलैंड का जो शेयर है वो आपको 40 रुपीज़ के आसपास दिखाई दे। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अशोक लेवलैंड कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, तीन बड़े कारण की वजह से अशोक लेवलैंड को गिरना पड़ा है। पहला कारण मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, वो ये है कि दोस्तों, ट्रक के सेल्स में बहुत बड़ी गिरावट आई है। यहाँ पर देख लो दोस्तों, अब कोई भी ट्रक खरीदना नहीं चाहता है, वेस्ट मतलब कि गार्बेज की तरह पड़ा हुआ है। कोई इनको मतलब कोई ख़रीदने के लिए ऐसा कस्टमर नहीं आ पा रहा है। और देखिए कितना जो परसेंट है ट्रक के सेल्स में गिरावट हुई है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो दोस्तों 60% की गिरावट है दोस्तों, 60%, ठीक है, वो भी सेल्स में। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, वो भी अशोक लेवलैंड जैसे कंपनी को ये सब देखना पड़ रहा है। और दोस्तों अराउंड 70% जो है गिर चुका है अशोक लेवलैंड अगस्त में, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गिरावट है। इसकी वजह से कोरोना वायरस की वजह से दोस्तों सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है, मतलब सप्लाई चेन को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, इंपोर्ट में एक्सपोर्ट में लोग ना ही देने के लिए रेडी हैं ना ही लेने के लिए रेडी हैं, क्योंकि दोस्तों अभी लोगों को चाहिए क्या, बेसिक नीड, बेसिक नीड्स चाहिए दोस्तों, खाना पीना और सेफ्टी चाहिए, बेसिक नीड चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, सप्लाई चेन डिसरप्शन आर हिटिंग हार्ड द सेक्शन, एक मिनट थोड़ा मिट गया, हाँ ठीक है दोस्तों। तो इसका कहने का मतलब है दोस्तों, सप्लाई चेन जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, इन द लास्ट 5 ईयर इंपोर्ट ऑफ कार इक्विपमेंट्स फ्रॉम द चाइना हैज़ गोन अप बाय द 22.1%, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पहली बात दोस्तों, सेल्स मतलब कि दोस्तों सेल्स खरीदने के लिए कोई रेडी नहीं है, ठीक है, कोई कस्टमर खरीदना नहीं चाहता, ठीक है, सेल्स नहीं हो सकता। और ऊपर से दोस्तों जो उसके पार्ट्स हैं, उसको इक्विपमेंट्स हैं, उनके पार्ट्स में अगर आपको 22 मान लीजिए 22% का आपको जो है प्राइस भी इंक्रीज़ कर दिया जा रहा है, तो और भी लोग नहीं खरीदेंगे। जहां आपको कल मिलता था दोस्तों 100 रुपीज़ में, कोई भी सामान आपको 100 रुपीज़ में मिलता था, आज के डेट में मिल रहा है दोस्तों आपको 120 में, तो और ऊपर से कोई ख़रीदने के लिए रेडी भी नहीं है, तो आपको 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ा ना, 20 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा दिया, ऊपर से बिजनेस का रिस्क लिया, आपको आना क्या चाहिए था दोस्तों, प्रॉफिट आना चाहिए था, जो एक्स्ट्रा आपने ये जो खर्च किया दोस्तों, एक्स्ट्रा आपने जो खर्च किया इसको छोड़ के और भी प्रॉफिट आना चाहिए था, लेकिन आया क्या दोस्तों, आपने 120 रुपीज़ खर्च किया तो आपके पास नेगेटिव अमाउंट आया है। मतलब कि दोस्तों हो सकता है कि आपको 80 रुपीज़ मिला हो, या ये भी हो सकता है 70 रुपीज़ मिला हो, तो आपने खर्च किया बड़ा अमाउंट। तो ये दो तीन न्यूज़ है दोस्तों जिससे अशोक लेवलैंड जैसे स्टॉक को बहुत बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। ये स्टॉक जो है दोस्तों वो 42 रुपीज़ तक चला गया था, अगर हम एक हिसाब से देखते हैं तो दोस्तों इसने 40 रुपीज़ को भी टच ही कर दिया है। यहाँ पर देख लो, 40 रुपीज़ को भी इसने टच कर दिया है, हाँ 40 रुपीज़ को भी मान लीजिए कि टच ही कर दिया, ठीक है दोस्तों। और इसका अगर हम 5 ईयर का चार्ट देखते हैं दोस्तों, 5 ईयर का, तो दोस्तों 5 साल के निचले स्तर पर अभी जो है स्टॉक वो ट्रेड कर रहा है। लीजिए दोस्तों, स्टॉक का परफॉर्मेंस, स्टॉक एक ज़माने में दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 20 रुपीज़ के आसपास मिला करता था, 20 या 12 रुपीज़ के आसपास, ठीक है, 12 रुपीज़ के आसपास मिला करता था दोस्तों। उसके बाद नहीं, ये 12 रुपीज़ का स्टॉक कहाँ तक चला गया था, 160 रुपीज़ तक चला गया था दोस्तों, 70 तक चला गया था, मतलब कि एक बहुत बड़ा बाउंस बैक मारा था दोस्तों अशोक लेलैंड ने, जब ये 10-12 रुपये के आसपास था, और फिर ये दोबारा ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रहा है। तो अगर ये 20 रुपीज़ के आसपास मिलता है तो मैं बोलूँगा भाई छोड़िएगा मत, उस टाइम तो खरीद लीजिएगा, लेकिन बहुत कम चांस है कि 20 रुपीज़ के आसपास मिले, ठीक है, लेकिन कोरोना वायरस के वजह से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। इस टाइम ये बोलना सही नहीं होगा कि इम्पॉसिबल, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस हर एक चीज़ को पॉसिबल कर दे रहा है दोस्तों, बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन हमारे अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो शायद अगर आया दोस्तों 20 रुपीज़ के आसपास आया तो खरीद लीजिएगा, तब तो छोड़ना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उसके बाद दोस्तों स्टॉक एक बहुत बड़ा बाउंस बैक मारे, हो सकता है 40 या 60 रुपीज़ में ही आपको मिल जाए, तो आपका पैसा तो डबल या ट्रिपल हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अशोक लेलैंड आपको प्रॉफिट दे सकता है, तो मेरे हिसाब से अभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और निफ्टी भी बहुत ज़्यादा गिरावट हो रहा है, तो मैं बोलूँगा अभी कोई ख़रीदारी नहीं करना है। ये जो वजह था वो मैं आपको बताना चाहता था। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा,
जब मार्केट बाउंस बैक करना स्टार्ट करेगा तो वो टाइम में भी आपको बताया जाएगा कि आपको खरीदना है, कहाँ खरीदना है, किस प्राइस पर खरीदना है, सब बताया जाएगा। लेकिन अभी आपको एक ही चीज़ करना है, वो क्या है दोस्तों, पेशेंस रखना है, ठीक है, पेशेंस रखना है और पैसा मत लगाइएगा। देखिए निफ्टी आपको बीच बीच में जो है शॉर्ट रिकवरी का मौका देगा, ठीक है, तो ये रिकवरी में आप खरीदेगा नहीं, ये रिकवरी में आपको करना क्या, बेचना है भाई, बेचना है, ठीक है। देखो पेशेंस रखो तब जाके अच्छा पैसा बनेगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है, जितना आप वेट कीजिएगा उतना बड़ा आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करके इंक्रेज कीजिएगा। और एक चीज़ ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताई, इससे मैं आपको ये बताना चाहता था, अशोक लेलैंड कंपनी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जैसे यस बैंक में फ्रॉड हुआ था, ठीक है, यस बैंक में फ्रॉड हो गया था, सॉरी यस बैंक में भी कुछ हुआ था, ठीक है, फ्रॉड टाइप का, और DHFL में भी प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। तो ये ऐसी कंपनी नहीं है दोस्तों अशोक लेलैंड जिसमें ऐसी प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, ये दोस्तों बिजनेस का प्रॉब्लम है, ठीक है, अप एंड डाउन चलता रहता है, सनराइज एंड सनसेट होता रहता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता था, ये मतलब बिजनेस का प्रॉब्लम है, वो इंटरनल प्रॉब्लम है, लेकिन दोस्तों ये जो इंटरनल प्रॉब्लम था ये धोखा देने वाला था, ठीक है, ये फ्रॉड था, तो फ्रॉड में कुछ भी हो सकता है, तो मैं आपको यही बताना चाहता था, अगर कल को मार्केट सही हुआ तो आपको जरूर प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा।